module 167 under the topic of optimization when the consumer is going to optimize its profit for this optimization of the profit it is not possible that consumer can optimize profit without considering the prices of the input how this relationship is maintained we know that the consumer, whenever he is producing, he has to utilize certain amounts of the inputs. And in this example, we take the two inputs Z1 and Z2. And when these two inputs are there, definitely in the market there will be certain prices attached to these two inputs. Or there can be many other, but mostly we are going to take two or the three like this. So, for these inputs now the consumer with the utilization of these inputs has to produce certain output and that output is the production of the firm that has to be utilized for the profit maximization so directly if we say that the producer has to optimize the profit but for profit it is a relationship between the revenue and the cost and दीज टू थिंग्स आई दर द रेवन्यू एंड द कॉस्ट दे बोथ डिपेंड अपॉन सर्टन प्रोडक्शन प्रोसीजर एंड दैट प्रोडक्शन प्रोसीजर इज पर्टिकुलरली अटैच विद द अमाउंट ऑफ सर्टन आउटपुट इसको सादाफ में अगर हम कहें तो वो ये हो सकता है कि जिस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन का प्रोसीजर हमने देखना है तो वो एक आउटपुट के साथ अटैच होगा क्योंकि जैसे ही आउटपुट बढ़ता चला जाता है उसके लिए एक पर्टिकुलर रेशो के साथ इनपुट्स भी यूटिलाइज होते हैं तो जैसे जैसे इनपुट्स बढ़ते हैं उनके साथ अटैच्ड इनपुट्स की प्राइसेस की वजह से कॉस्ट भी इंक्रीज होती है तो जब भी हमने प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन की बात करनी है या रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन की बात करनी है तो दे बोथ विल बी अटैच्ड विद सर्टन अमाउंट ऑफ क्वान्टिटी ऑफ द आउटपुट अब अगर हम इस सिचुएशन में देखते हुए अगर हम कहें कि हमने एक आउटपुट लिया एंड दैट आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द कम्बिनेशन ऑफ सर्टन इनपुट Z1 वन एंड जी और उनकी वजह से जो आउटपुट हमारे पास आ रहा है वो उसका एक कॉन्स्ट्रेंट जरूर होगा और वो कॉन्स्ट्रेंट क्या है कि माइट बी कि ये जो आउटपुट है इट इज़ लेस देन द अवेलेबल रिसोर्सेज लेकिन हमारे कॉन्स्ट्रेंट की जो एजम्पन है वो ये कहती है कि ऑल द रिसोर्सिस दैट आर विद द कंज्यूमर वो उनको फुल एम्प्लॉयमेंट तक लेके जाता है तो इसलिए ऑल द रिसोर्सिस को यूटिलाइज करते हुए वो टोटल के टोटल रिसोर्सिस को कंज्यूम करके प्रोडक्शन में अपना आउटपुट लेगा सो so, इसलिए इस कॉन्स्टेंट को हम इक्वेलिटी की फॉर्म में लेंगे और इसी तरीके से फर्म जो आउटपुट मार्केट में प्रोड्यूस करके दे रही है तो मार्केट में उसको एक प्राइस ऑफ़र हो रही है और वो प्राइस जो है वो उसका डिमांड फंक्शन ऑफ द कमोडिटी का तय करती है अगर हम इस पर देखें तो फॉर्म को जो डिमांड कव ऑफ आउटपुट का मार्केट से फेस कर रही है वो दैट इज़ पी एंड पी इज द फंक्शन ऑफ वाई और समटाइम्स वी कैन से दैट दिस पी इज इक्वल टू द फंक्शन लाइक दिस एंड दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द क्वान्टिटी ऑफ द आउटपुट नाउ कमिंग टू दिस अगर हम देखें कि दिस चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन आउटपुट ऑफ द फर्म इज जीरो तो ये एक डिमेंड कर्व कि जो एक्सप्लेन करेगा दैट विल बी द हॉरिजेंटल दिस एक्सप्लेन दैट इफ द फर्म इज गोइंग टू चेंज द आउटपुट ऑफ इट्स प्रोडक्शन लेवल इट इज हैविंग नो इम्पैक्ट ऑन द मार्केट प्राइस और ये वो कंडीशन है जो हमने हमेशा परफेक्ट कंपटीशन की एक के तौर पे पड़ी है अब अगर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि वे एवर देयर विल बी चेंज इन द आउटपुट ऑफ द फर्म और आइदर इंक्रीज बट इट विल हैव जीरो इंपेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये फर्म जो है वो कंपेटिटिव मार्केट में मूव कर रही है बट इफ द चेंज इन द आउटपुट ऑफ ए फर्म इज हैविंग सर्टन इम्पैक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी दैट इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस और वो क्या है कि वो प्राइस जो है वो लेस देन ज़ीरो है और लेस देन ज़ीरो मीन उसमें जो चेंज है वो इस फॉर्म में हमारे सामने नज़र आ जाती है अब इसके नतीजे में अगर हम देखें तो ये जो डिमांड कर्व है ये नेगेटिवली स्लोप को शो करता है एंड वी नो दैट मोस्टली द डिमेंड कव जो नेगेटिवली स्लोप ऑफ आउटपुट का होता है वो मोनापोलिस्टिक फॉर्म्स का होता है एंड कीपिंग इन व्यू दीज टू कंडीशन हम चाहें तो परफेक्टली कम्पिटिशन मार्केट हो मोनोपोलिस्टिक हो एंड लाइक वे सर्टन ऑलिगोपलिस्ट भी हो सकते हैं तो ये डिमांड कर्व तमाम के लिए बिल्कुल डिफरेंट होंगे और ये डिफरेंट डिमेंड कर्व के तहत अगर हम देखें तो ये उसके सप्लाई फंक्शंस को एक्सप्लेन कर रहे होंगे और इन तमाम कंडीशंस के तहत हम उनके रेलिवेंट इनपुट की डिमांड फंक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं और वो इनपुट डिमांड फंक्शन सब के लिए डिफरेंट होंगे अब अगर यहीं से हम देखें तो फर्म का जो रेवेन्यू है रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्राइस इन टू द क्वान्टिटी प्रोड्यूस्ड एंड सिंस द प्रोडक्शन कॉन्स्ट्रेंट को हमने इक्वेलिटी लिया है तो उसके फॉर्म में हम कहते हैं कि जो रेवेन्यू है वो डायरेक्टली फंक्शन है इनपुट्स का और अगर इन इनपुट्स के देखते हुए अगर हमने अब चॉइस देखनी हो तो देन वी कैन से कि इट डिटर द कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ द फर्म और इसलिए जो फर्म की जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में चाहे ना भी आ रही हो लेकिन वो उसके अंदर मौजूद होती है इन द फॉर्म ऑफ द इनपुट तो इसीलिए रेवेन्यू इनपुट, इट ऑलवेज बी लाइक दिस द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द रेवेन्यू एंड दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर दैट अमाउंट ऑफ क्यू जिसके लिए ये कैलकुलेट हुआ और उसी तरीके से दिस विल बी द मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू दैट पर्टिकुलरली रिलेटेड टू दैट अमाउंट ऑफ क्वान्टिटी जो कि हमने प्रोड्यूस की एंड इसी से जब हम डिराइव्ड डिमांड फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ दिस जी वन एंड जी टू जो कि उसको मैक्सिमम प्रोडक्शन दे या उसको मैक्सिमम प्रॉफिट दें या मैक्सिमम रेवेन्यू दें सो बाय दिस इक्वेशन दिस इज नॉट ओनली पॉसिबल कि हम उसका रेवेन्यू या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करें हम इससे डिराइव्ड डिमांड फंक्शन के अकॉर्डिंगली जाके वो अमाउंट्स ऑफ इनपुट्स जो कि जी वन जी टू हैं और अगर किसी और इक्वेशन में होंगे तो माइट भी ये के और एल की फॉर्म में भी हो सकते हैं और लाइक like हमने जिस तरह पहले अपने प्रोडक्शन फंक्शन में यूटिलाइज किए थे हम इसको कर सकते हैं डब्ल्यू वन एल वन और डब्ल्यू टू एल टू इट कैन बी द एनी फॉर्म लेकिन हम अमाउंट्स ऑफ दिस एल वन और एल टू ये दो इनपुट्स हैं यहाँ पे के और एल हमारे पास दो इनपुट्स हैं हम अमाउंट ऑफ दो इनपुट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके ज़रिए हमारे इनपुट का डिमांड फंक्शन जो है वो हमारे सामने आ जाएगा कि फॉर दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द आउटपुट जो एंटरप्रेन्योर या प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हेल्प आउट कर रही है उसके लिए फर्दर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इनपुट्स कितनी है